हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीशान बुट प्लानेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपनी एक पुरानी ड्रिल बिट में धार लगाएंगे। तो दोस्तों, मैंने धार लगाने के लिए 8 mm की एक बिट ले ली है, पुरानी, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें धार लगाने के लिए सबसे पहले हमें 1-2 इंची की लकड़ी का टुकड़ा लेना होगा, जिसकी मोटाई चौड़ाई 1 इंची बाई 1 इंची है। अब इसके बीच सेंटर में हमें आर पार छेद करना है। तो दोस्तों, हम 8 mm की बिट में धार लगानी है, तो हम इसमें 8 mm का ही छेद करेंगे। दोस्तों, छेद करने के बाद हमें ये इसमें इतनी बस बिट अंदर लगानी है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक 4 mm की बिट से एक छेद और करना है, जिसमें हमें ये बिट लगाकर इस बिट को यहाँ पे एकदम इस स्क्रू से टाइट करनी है। दोस्तों, इस तरीके से हम अपनी इस बिट को यहाँ पे इस स्क्रू की मदद से एकदम फिक्स कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद दूसरा काम यह है कि हमें एक 3 इंची बाई 3 इंची का एक 1/2 इंची प्लाई में टुकड़ा ले लेना है, जिसमें हमें ये 30 डिग्री पे एक निशान लगाना है। ठीक है, और उस 30 डिग्री के निशान से हमें एक राइट एंगल निशान इस साइड लगाना है। और इसके बाद हमने जो 30 डिग्री का निशान लगाया है, इसमें इस तरीके से हमें एक सूत गहरी एक ये नाली बनानी है पूरे निशान पे। ठीक है, इस और नाली बनाने के बाद दोस्तों, इसी निशान पे, इसी नाली पे हमें इस तरीके से बिट रखकर इसमें धार लगानी है। दोस्तों, मैंने ये एक नाली बना दी है इसमें एक सूत गहरी। ठीक है, अब मैं इसमें इस तरीके से ये बिट रखकर अपनी इस बिट में धार लगा लूँगा। दोस्तों, इस ग्लेंडर की मदद से मैं अपनी इस बिट में धार लगाऊंगा। दोस्तों, एक ग्लेंडर स्लाइडिंग कटिंग मशीन है, अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी 7 इंची प्लाई को यहाँ पर 18 नंबर की कीले मार के यहाँ पर फिक्स कर लिया है। और दोस्तों, हमें ध्यान रहे कि हमें जिस तरीके से हमारे ड्रिल में जो पैल लगे हुए हैं, उसी पैल के हिसाब से हमें अपनी बिट यहाँ पर सेट करनी है। और हम अपनी बिट को सेट करने के बाद इसको यहाँ पर स्क्रू से टाइट कर देंगे। और दोस्तों, बिट हमें इतनी यहाँ पर रोकनी है कि यहाँ पर करीब 1 mm का गैप रहे, ताकि जब हम अपनी बिट में धार लगाएं तो 1 mm तक बिट घिस जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, हमें बिट जो है बहुत अच्छे से सेट करना है इस लकड़ी में। तो दोस्तों, इस बिट को मैंने इस लकड़ी में बिल्कुल सही तरीके से सेट कर लिया है, तो चलिए अब धार लगाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रहिए, स्क्रू जो मैंने लगाया है ये इस साइड रहेगा और दोबारा से उस साइड में रहेगा, ये ऊपर और नीचे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, दोस्तों ध्यान रहे, इस बिट को हम थोड़ा थोड़ा घिस के पानी में भिगोते रहेंगे। दोस्तों, अगर हमने इसको लगातार घिस दिया तो ये बिट गर्म होके एकदम नरम हो जाएगी और ये फिर सही से लकड़ी को छेद नहीं कर पाएगी। तो फाइनली दोस्तों, हमारी इस बिट में धार लग गई है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी धार लगी है, बिल्कुल नई जैसी बिट लग रही है। ठीक है, अब हम इसको ड्रिल में लगाकर इस लकड़ी में छेद करके देखते हैं। दोस्तों, छेद करने के लिए मैंने ये 2 इंची मोटी साल की लकड़ी ले ली है। ठीक है, हम इसी में छेद करेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितने सॉफ्ट तरीके से, बिल्कुल एकदम ये लकड़ी जो है मलाई की तरह कट रही है। इस बिट में इतनी अच्छी धार लगी है, बिल्कुल बिना प्रेशर के ही लकड़ी में ये बिट अपने आप बैठती जा रही है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताना मुझे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी,
और जिस मेरे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।